मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट रिडक्शन ऑफ प्रोटीन। जो अपना लास्ट वीडियो था उसमें मैंने रिडक्शन पर आपसे कुछ डिस्कस भी किया था कि रिडक्शन में क्या होता है, कि अगर निकेल या सोडियम एथेनॉल के प्रेजेंस में क्या कराते हैं कि प्रोटीन का रिडक्शन कराइए, तो रिडक्शन कराने पर क्या बनता है, प्रिपरीडीन बनता है, यानी कि एक सैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इस सैचुरेटेड कंपाउंड की अगर अपन बात करें तो इसमें एरोमेटिसिटी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर इसकी प्रोटीन से तुलना में अगर बात करें तो क्या है कि इसकी बेसिसिटी यानी कि क्षारकता की बात की जाए तो क्या है कि ये प्रबल क्षार होता है, ठीक है ना, किसके कंपेयर, प्रोटीन के कंपेयर। इसके अलावा दूसरी बात क्या आती है कि अगर क्या होता है कि जो प्रीडीन है, इस प्रीडीन का क्या करते हैं कि रिडक्शन अपने एथेनॉल की प्रेजेंस में लिक्विड अमोनिया और सोडियम मेटल के साथ कराते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसका क्या है कि केवल एक द्विबंध, ओनली सिंगल डबल बॉन्ड जो है वो सैचुरेटेड होता है, ठीक है। यानी कि अपन ये बोल सकते हैं कि सिंपली तरीके से कि ओनली क्या होता है कि एक सिंगल द्विबंध क्या होता है, टूटता है, ठीक है, और क्या बनता है, 1,4-dihydropyridine का निर्माण होता है। और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या है कि बर्च रिडक्शन के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका रिडक्शन है। रिडक्शन में अपन क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर दो कंडीशन में बात हो रही है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि यदि प्रीडीन को निकेल कैटेलाइज्ड उत्प्रेरक की प्रेजेंस में उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ हीट किया जाता है, हाइड्रोजन के साथ हीट, या अपन क्या बोल दें, या दोनों कंडीशन साथ साथ बता देते हैं, या सोडियम प्लस एथेनॉल C2H5OH के साथ अपचयन रिडक्शन रिडक्शन कराया जाता है, तो पिपरिडीन प्राप्त होता है, ठीक है। आगे क्या बात होती है, इस प्रोसेस में प्रीडीन के तीनों द्विबंध डबल बॉन्ड सिंगल बंद में बदलते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे अपने यहाँ पर रिएक्शन बताए तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्रीडीन, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसका हाइड्रोजिनेशन एक तरह से, ठीक है, और प्रेजेंस कौन से कैटलाइज्ड, या तो निकेल, ठीक है, इसके साथ इसको क्या करेंगे, हीट, या क्या है, सोडियम प्लस C2H5OH एथेनॉल, ठीक है। इन दोनों में से कोई सा भी एक कैटलाइज्ड लेंगे तो क्या होगा, पिपरिडीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि एक सैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा।
ठीक है, ये क्या बन गई पीपीडी। ठीक है, पिपरिडिन जो होता है कि इस कंपाउंड में यानी कि पिपरिडिन में एरोमेटिसिटी नहीं होती है, लेकिन यह पिपरिडिन की तुलना में कंपेयर तुलना में स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, अगर इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर अपन बात करें तो क्या होता है पिपरिडिन ग्रेटर देन पिरिडिन ग्रेटर देन पिरोल। ठीक है, ये इनका क्या है बेसिसिटी का ऑर्डर। ठीक, इसके बाद जो बात होती है कि अगर अपने इसको यहीं पर नाम भी बता देते हैं पहले ही, क्या है बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन कराते हैं तो भी क्या होता है कि यहां पर क्या बनेगा कि ओनली देखो इस कंडीशन में जो अपने पहले बात की है कि अगर इसका क्या है कि निकल कैटलाइज्ड के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं हाइड्रोजन के साथ तो उस कंडीशन में तो क्या है पिपरिडिन का फॉर्मेशन होता है। बट यहां पर क्या है कि बर्च जो रिडक्शन है इसमें क्या होता है कि अगर सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया कैटलाइस्ट की प्रेजेंस में क्या करते हैं कि अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, और किस मीडियम होगी एल्कोहलिक मीडियम होगी यानी कि एल्कोहल की प्रेजेंस होगी तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर ओनली क्या होता है एक द्विबंध टूटता है। ठीक है, अगर क्या होता है यदि प्रेडिन का रिडक्शन प्रेडिन का रिडक्शन एथेनॉल की प्रेजेंस में लिक्विड अमोनिया व सोडियम मेटल के साथ कराया जाता है तो केवल एक डबल बॉन्ड सैचुरेटेड होता है अर्थात एक डबल बॉन्ड द्विबंध टूटता है। ठीक है, रिएक्शन क्या हो जाएगी यहां पर पिरिडिन ये क्या हो गई पिरिडिन। इस पिरिडिन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे
एथेनॉल की तो प्रेजेंस रहेगी, और किसके साथ कराएंगे, अमोनिया प्लस सोडियम मेटल, लिक्विड अमोनिया प्लस सोडियम मेटल है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि केवल एक द्विबंध ही यहाँ पर ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1,4 डाइहाइड्रो हाइड्रोपिरिडीन। ठीक है, इसका यहां पर क्या हो जाएगा, ये फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और इसको क्या अपने किस नाम से जानते हैं, बर्च रिडक्शन। ठीक है, आगे जो बात होती है रिडक्शन पर ही, अगर क्या होता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर क्या कराते हैं, इसका रिडक्शन कराते हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि केवल एक डबल बॉन्ड ही क्या होता है, टूटता है। ठीक है ना, एक द्विबंध क्या होता है, सैचुरेटेड होता है, और अभिक्रिया में क्या है कि शेष दो द्विबंध होते हैं वो क्या है कि पहले की बातें क्या होते हैं, कॉन्जुगेशन यानी कि उनमें विचलन नहीं होता है। इसमें तो क्या हुआ कि भाई जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन चेंज हुई, बट अगर क्या है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में क्या कराएंगे, इसका रिडक्शन कराएंगे, तो द्विबंध पर क्या है कि कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है एक तरह से, और क्या बनेगा, 1,2 डाइहाइड्रोपिरिडीन का फॉर्मेशन होता है। यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में पिरिडीन का रिडक्शन कराते हैं तो केवल ओनली एक डबल बॉन्ड द्विबंध ही सैचुरेटेड होता है तथा शेष दो द्विबंध का कॉन्जुगेशन डाइवर्सन विचलन नहीं होता है। ठीक है, और क्या फॉर्मेशन होगा, और 1,2 डाई हाइड्रो पिरिडीन, डाइहाइड्रो पिरिडीन बनता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहां पर ये पिरिडीन हो गई। ठीक है, इस पिरिडीन का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में क्या करेंगे, अपचयन करेंगे, रिडक्शन करेंगे, तो क्या होगा कि एक द्विबंध तो यहाँ पर टूटेगा, बट यहाँ पर कंडीशन क्या रहेगी कि जो शेष दो द्विबंध यानी कि ये बॉन्ड तो यहाँ से क्लीवेज हो गया, लेकिन क्या है कि शेष दो द्विबंध है इन पर कोई विचलन नहीं होगा, यानी इनका कोई डाइवर्सन नहीं होगा, ये एज इट इज अपनी ऑलरेडी उसी पोजिशन पर रहेगा, और क्या बन जाएगा, 1,2 डाइहाइड्रोपिरिडीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन होगा, 1,2 डाइहाइड्रोपिरिडीन। ठीक है, इसी तरह से अगर क्या होता है कि अगर इसका अपचयन किसके प्रेजेंस में कराएं कि हाइड्रोजन आयोडाइड जैसे स्ट्रोंग रिडक्टेंट के साथ
प्रिडीन को 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट किया जाता है किया जाता है तो रिंग ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, हो जाती है और एन पेंटेन का निर्माण होता है। ठीक है, अब एन पेंटेन का निर्माण यहाँ पर कैसे होगा? एन पेंटेन तथा अमोनिया NH3, ठीक है, का निर्माण होता है। ठीक, अब रिएक्शन कैसे होगी यहाँ पर? ये आपकी प्रिडीन, ठीक है, अगर इसका क्या करें, रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में? हाइड्रोजन आयोडाइड, जो कि अपने को पता है क्या है कि स्ट्रोंग या क्या बोलते हैं, त्रिव अपचायक है। ठीक है, स्ट्रोंग अपचायक है, रिडक्टेंट है, तो इसकी प्रेजेंस में करेंगे तो क्या बन जाएगा? एन पेंटेन, CH3, CH2, 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 CH3, ये क्या बन गई? एन पेंटेन। ठीक है, प्लस अमोनिया NH3, तो ये किसकी बात होगी यहाँ पर? रिडक्शन की। अब इसके बाद जो बात होती है वो आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर बात करें तो यहाँ पर क्या है कि जो प्रिडीन है, ये अपन ऑलरेडी भी ये बात आ चुकी है कि जो प्रिडीन है ये क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल के प्रति क्या होती है कि एक इनएक्टिव कंपाउंड होता है, यानी कि अपन ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये आसानी से संपन्न नहीं करता है। इसके लिए क्या होती है? कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं। ठीक है ना, उन कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर क्या होता है कि प्रिडीन जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो क्या करेगा? संपन्न करेगा। तो इस पर क्या है कि मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। ठीक है ना, कि भाई ये किस रीजन से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से संपन्न नहीं करता है तो उसका रीजन क्या है। ठीक है, तो ये मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।